स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम फन टन ट्रक आरजे रौनक का वीडियो देखने जा रहे हैं और उनका क्वेश्चन है कि क्या योगी जी मोदी जी से भी पॉपुलर हो गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ छक्के मारकर कोहली ने मैच जिताया तो पूरा देश बावला हो गया। सालों बाद शाहरुख खान की पठान रिलीज हुई तो उनके फैंस ने नाच नाच कर थिएटर में ही अपने कपड़े फाड़ लिए। लेकिन जो दीवानगी, जो पागलपन माफिया के लौंडे को टपकाने के बाद बाबा की दिख रही है, ऐसी दीवानगी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में आई सिंगल लड़की की भी नहीं है। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक लोगों ने बाबा की डीपी लगा ली है। मिट्टी में मिला दूंगा बयान को रिंगटोन बनाकर लोग उस पर नागिन डांस कर रहे हैं और हर तरफ एक ही नाम सुन और गूंज रहा है और वो है योगी आदित्यनाथ का। ऐसे में सवाल ये है कि पहले से बेहद पॉपुलर योगी जी को अतीक के परिवार की पिलाई ने क्या और ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है? क्या सच में ये देश उन्हें फ्यूचर पीएम के तौर पे देखने लगा है? और क्या मतलब ये बहुत बड़ा क्या है कि क्या योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं? थोड़ा मनोरंजन लीजिए। तो पंतंत्र में आज हम इसी एक सवाल का हाल जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए कुर्सी की पेटी और पजामे का नाड़ा कस के बांध लीजिए और बालकनी से नीचे आकर अगर आपकी गर्लफ्रेंड आवाज भी क्यों ना लगाए पर वो बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं। क्या कोई बात है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक, पंतंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा आता है जो उसे बना या बिगाड़ सकता है। फरवरी महीने में दिन दहाड़े हुई उमेश पाल की हत्या योगी जी के लिए वही लम्हा था। हत्यारे हत्या करके गधे की सींग की तरह गायब हो गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पूरा देश इस हत्याकांड पर उबल पड़ा। जिन लोगों का सुबह ठीक से प्रेशर भी नहीं बनता था वो भी हत्यारों को ढूंढकर लाने का प्रेशर बनाने लगे। और इससे पहले कि जनता के सब्र का बांध टूटता, पता चला कि UPSTF ने हत्या के मुख्य आरोपी असद का पिछवाड़ा तोड़ दिया। खबर सुनकर उसके बाप अतीक ने रो रोकर अपना पेटीकोट गीला कर लिया। और यह सब देखकर जनता को वैसी खुशी हुई जैसे शोले के क्लाइमेक्स में ठाकुर के कील वाले जूते से गब्बर की ठुकाई देखकर हुई थी। यही हमारी सोच है, यही हमारा अप्रोच है। घटना के चंद मिनटों में ही पूरा सोशल मीडिया योगी जी की जय जयकार से गूंज उठा। उनकी पॉपुलैरिटी आसमान का सीना चीर कर अतीक के मरहूम लौंडे के पिछवाड़े पर थप्पा करके आ गए और बाबा के विरोधी भी ये कहने को मजबूर हो गए कि गुंडों को उनकी असली औकात बताने में बाबा सबके पापा हैं। अब इन्हीं सारे जयकारों के बीच चर्चा फिर शुरू हो गई है कि क्या बाबा अब मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय हो गए और क्या योगी आदित्यनाथ ही मोदी के उत्तराधिकारी होंगे। आइए दोस्तों, फिर से अपने ई रिक्शा का मुंह उस सवाल की तरफ करते हैं जिसे पिछले स्टॉप पर हम उतार कर आए थे। और सवाल वही है कि क्या आज योगी जी मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और क्या बीजेपी में वो मोदी के उत्तराधिकारी होंगे। इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी का राज आखिर है क्या। चाहे सही हो या गलत हो, उनसे जुड़ी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे जनता बहुत पसंद करती है। पहली बात, नरेंद्र मोदी जी की छवि एक हिंदूवादी नेता की छवि है जो पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करता, जो बनावटी सेक्युलरिज्म दिखाने के लिए यह नहीं बोलता कि इस देश के रिसोर्सेज पर पहला हक एक खास वर्ग का है। क्यों भाई, बाकी जनता क्या जागरण में दरी बिछाने आई है या भंडारे की पूड़ियां पैक करवाने आई है? मगर मोदी जी ऐसी कोई बात नहीं करते। जनता मोदी को ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी पसंद करती है जो अपनी सरकार में सबको टाइट करके रखते हैं, जो भ्रष्ट नहीं है, उनका कोई राजनीतिक परिवार नहीं है और वो परिवारवाद की राजनीति भी नहीं कर रहे। अब इसे इत्तेफाकी कहा जाएगा कि लगभग ये सारी क्वालिटीज लोग योगी जी में भी मानते हैं। मोदी जी की अगर हिंदूवादी छवि है तो अधिकतर लोग उन्हें मोदी जी से भी बड़ा हिंदूवादी मानते हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, जिन्हें CANRC के वक्त हुए प्रदर्शनों से निपटने में जिन्होंने ज्यादा सख्ती दिखाई। इतनी बड़ी अल्पसंख्यक आबादी के बावजूद यूपी में कोई शाहीन बाग नहीं बनने दिया। हिंसा करने वालों के पोस्टर लगाकर उन्हें नेम शेम किया, उनसे नुकसान की भरपाई भी की गई, मुख्तार अंसारी और अतीक जैसों को मिट्टी में मिलाकर ऊपर से कड़छी भी हिला दी गई, आजम खान जैसे बड़बोले नेता को खून के आंसू निकलवा दिए गए। अब हो सकता है कि उनके ये सब करने से कुछ लोग इधर उधर की बातें करें, मगर ये भी सच है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो इन्हीं तेवरों के लिए योगी जी को मोदी जी से ज्यादा पसंद करता है। योगी की तुलना में उन्हें मोदी वैसे ही नजर आते हैं जैसे एक टाइम पर आडवाणी जी की तुलना में वाजपेयी जी नजर आते थे। तो जिस ब्रांड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के मोदी जी अब तक बेताज बादशाह थे, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि योगी जी ने लगभग वो उपाधि बड़े प्यार से उनसे छीन ली है। नहीं, इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। दूसरी बात, मोदी की तरह योगी भी अपनी छवि एक विकासवादी नेता की बनाना चाहते हैं। मोदी की तरह योगी भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ हिंदूवादी नेता की छवि बनाकर वो पीएम पद का दावा तो पेश नहीं कर सकते।
हिंदूवादी नेता की छवि बनाकर आप प्रवीण तोगड़िया बन सकते हैं, मगर राज्य या देश के मुखिया नहीं बन सकते। एक लीडर को यह भी दिखाना होता है कि वो विकास करना भी जानता है, इसलिए वो बार बार यूपी को औद्योगिक प्रदेश बनाने की बात करते हैं, राज्य में इन्वेस्टर्स समिट कराते हैं। एक वक्त पर 20वें पायदान से भी नीचे लुढ़क चुका यूपी आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे भारत में दूसरे नंबर का राज्य है। फरवरी महीने में यूपी में हुई इन्वेस्टर समिट के जरिए स्टेट गवर्नमेंट ने 35.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हासिल किया। जी हाँ, 35 लाख करोड़, इतने पैसे देना तो दूर, कोई अगर सुंघा भी देना तो शाहबाज शरीफ 10 दिन तक लाल किले पर मोर बनकर नाच लेंगे, वो भी अपनी सलवार में पंख लगाए हुए। मतलब हार्ड कोर सैफरन लीडर की इमेज से लेकर एक ऐसे नेता तक जो डेवलपमेंट की भी उतनी ही फिक्र करता है, योगी के तरकश में हर वो तीर है जिसे चलाकर मोदी देश की कुर्सी तक पहुंचे हैं। मोदी की तरह योगी पर भी करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगा, और परिवारवादी राजनीति से भी दोनों उतने ही दूर हैं जितना बैटिंग फॉर्म से सूर्य कुमार यादव और आटे की थैली से एक पाकिस्तानी। हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी देश की 39% जनता ने योगी को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया। हैरानी है कि इस सूची में विश्व के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी उनसे काफी पीछे थे। स्लोगन्स की बात करें तो जहां मोदी के समर्थक मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हैं, वहीं योगी जी को चाहने वाले भी योगी है तो यकीन है का नारा लगाकर ये मैसेज देते हैं कि भैया योगी जी ने भी पीएम बनने का सारा सिलेबस पूरा कर लिया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी के बाद अमित शाह जी बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं, राजनाथ सिंह भी पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि योगी जी की पॉपुलैरिटी इन सब पर भारी नहीं, बहुत भारी पड़ती है। और पॉपुलैरिटी का भारीपन एक दिन उन्हें अमित शाह और राजनाथ सिंह से ऊपर पीएम पद का उसी तरह दावेदार बना देगा या बना सकता है जैसे मोदी जी की लोकप्रियता ने 2014 के चुनाव से पहले उन्हें बना दिया था। बाकी आपको क्या लगता है, क्या योगी जी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? और ये भी जरूर बताइए कमेंट करके कि योगी और मोदी में से आप किसके बड़े फैन हैं। ठीक है, तो जरूर आप भी बताओ कि क्या योगी जी मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर हो गए। मैं तो नहीं मानता, हर एक अपना रोल है, ऐसे नहीं कह सकते। नहीं, मैं मोदी जी का अपना, योगी जी यूपी में बेस्ट कर रहे हैं, मोदी जी पूरे देश में बेस्ट कर रहे हैं, हर एक अपना रोल है उस हिसाब से कर रहे हैं। और बीजेपी हमेशा डिसाइड करती है कौन अगला बनेगा, बंदा नहीं बनेगा, वो बीजेपी पार्टी डिसाइड करती है सब लोगों की सहमति से। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे फेवरेट तो मोदी जी है, मोदी जी ही है, और उसके बाद योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो भी बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, और जो उनका दबंग स्टाइल जो अंदाज है वो मुझे बहुत पसंद आता है। और मैं चाहूँगा कि मोदी जी के बाद योगी जी ही हमारे प्रधानमंत्री बने। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।